तो फटाफट से यार आ जाओ बिकॉज आज है बच्चा पार्टी हमारे ताबड़तोड़ बैच का डे टू और आज हम लोग करने वाले हैं दी एडवेंचर चैप्टर को कंटिन्यू, ठीक है? तो कल यार हमने बहुत मजे किए थे एकदम मौज आ गई थी कल मजे आए थे कि नहीं कल हाँ भाई मजे आए थे ना कल तो आज हम उस कहानी को आगे बढ़ाने वाले हैं जो दुनिया को लगती कठिन है बट इतनी भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ठीक है तो आज हम लोग काफी ज्यादा अच्छे से और डिटेल में आगे की कहानी को पढ़ने वाले हैं तो फटाफट से आ जाओ यार क्योंकि कहानी को वेट कराना नहीं चाहिए है ना जल्दी से मेरे सारे प्यारे प्यारे से बच्चे यार क्लास को लाइक और शेयर कर दो ताकि हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएं हाँ बहुत ज्यादा आए थे ना ऑल राइट बच्चे बोल रहे मैम बहुत ज्यादा मजे आए थे कल बैच सुपर है थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर लविंग दिस बैच सो मच ताबड़तोड़ बैच को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का शुक्रिया बट जल्दी जल्दी से यार एक बार सारे बच्चे आ जाओ क्योंकि मैं जेनवनली नहीं चाहती कि, कि किसी भी बच्चे की जो स्टोरी है ना वो मिस हो जाए क्योंकि आपको पता है यार पांच बजे पता नहीं लाइव स्ट्रीम अपने आप हो गई थी अब करी मैंने तो अभी देखा एक्चुअली मैं किसी और uh, स्ट्रीम के को लाइक uh, like, किसी और क्लास के लिए रेडी हो रही थी और पता नहीं यहाँ से अभी वो ये मिस्ट्री भी मुझे क्लास के बाद सॉल्व करनी है कि ये हुआ कैसे बट आज पार्टी जैसे कल हम लोगों ने कहानी शुरू कर दी थी और फिर हम रुके नहीं थे है ना हम बोलते गए गए पढ़ते गाए, पढ़ते आज भी, आज भी तो मेरा पूरा मकसद कि मैं प्लीज जल्दी जल्दी से सारे बच्चे आ जाओ। क्लास को बच्चों कर दो लाइक और शेयर सभी के साथ ताकि सारे बच्चे आ जाएं और फिर हम शुरू करें ठीक है अच्छा कल कौन कौन हमारी क्लास में था वो भाई कर दो एक बारी। यार थोड़ा सा तो जोश दिखना ना क्लास में। वरना तो क्लास एकदम ऐसे बोरिंग लपूसी लगेगी लपूसी क्लास थोड़ी है तो अगर आप में से भी कोई क्योंकि आपके भी सिलेबस में टेंसेज है तो अगर आप में से भी किसी को वो क्लास अटेंड करनी हो तो डेफिनेटली आप लोग आ सकते ठीक है चलो शुरू करें यार आज मजा नहीं आ रहा है आज तुम लोग ना तो क्लास को लाइक कर रहे हो ना शेयर कर रहे हो स्टार्ट आगे की कहानी ऑल राइट right, ये हुई ना बात वेरी नाइस वेरी गुड ठीक है तो यार अभी हमने कहां तक स्टोरी पढ़ी देखा कि जो प्रोफेसर गाय तोंडे होते हैं वो अपने पैरेलल वर्ल्ड में जी रहे हैं है ना और पैरेलल वर्ल्ड में वो हिस्ट्री का पता लगाना चाहते हैं ऐसी हिस्ट्री भाई कि क्या चेंज हुआ राइट कि मैं यहाँ आ गया ऐसा इस वर्ल्ड में क्या अलग है तो उन्हें पता चलता है कि जो बैटल ऑफ पानीपत है वो मराठास जीत गए थे जिसकी वजह ये हमेशा होता है मेरे साथ मेरा पेन जरूर गिरता है ऑल कोई बात नहीं जिसकी वजह से हिस्ट्री में सारे चेंजेस होते गए होते गए होते गए राइट right? ये हमने देखा बट अभी भी ना उनका दिमाग उनको शांति नहीं दे रहा है और उनका दिमाग बोल रहा है यार देख तुझे पता तो लगाना ही पड़ेगा कि ये जो मराठास वॉर जीते हैं ना ये जीते कैसे ठीक है बेटा इसको हमें पता लगाना ही पड़ेगा ऐसा कौन बोल रहे हैं प्रोफेसर गायतोंडे खुद को बोल रहे हैं कि मुझे चैन नहीं आएगा जब तक मैं पता नहीं लगा लेता कि ये मैं जिस दुनिया में हूं वहां पर अगर मराठास ने वॉर जीता तो जीता कैसे ठीक शुरू करें एक बार यार सारे बच्चे यस मैम लिख दो प्लीज फटाफट से सो तो दैट आगे बढ़े तो यहाँ तक की हमारी कहानी क्लियर है कि भाई वो पुणे से बॉम्बे आ जाते हैं है ना और बॉम्बे आकर उन्हें रियलाइज होता है कि ये तो बिल्कुल अलग दुनिया है ये मेरी दुनिया नहीं है मैं किसी और वर्ल्ड में हूँ राइट वहां पर लाइब्रेरी में जाते हैं हिस्ट्री की बुक्स जो उन्होंने खुद लिखी होती हैं है तो क्या करने लगते हैं इसे खंगालने लगते हैं देखने लगते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि भाई इस दुनिया में तो जो मराठास हैं वो वॉर जीत गए थे एंड जो इंडिया के लोग थे हम भारतीय थे वो बहुत सुपीरियर थे इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपने रूल को ज्यादा फैला ही नहीं पाई थी फिर नाइनटीन सेंचुरी तक ऐसी चला और उसके बाद पार्लियामेंट आ गया है ना चलो तो आगे बढ़ते हैं बेटा फटाफट फड़ से यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कल कि गंगाधर पंत ने कंपेयर किया उस कंट्री को जिसको वो जानते थे एंड जो वो अभी अपने आसपास देख रहे थे यानी कि जो उनकी रियलिटी थी वो हमारा वाला समाज और एक वो जिसमें वो अभी जी रहे थे तो वो उन दोनों को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं ठीक है अब आगे देखो ही वांटेड टू नो ओके ही वांटेड टू नो क्या क्या उन्हें पता लगाना था उनको ये पता लगाना था कि, कि अगर मराठा जीते तो वो जीते कैसे ठीक और इसी नोट पे हमने कल अपना ये जो था, वो, वो, वो लाइब्रेरी में तो बैठे ही थे बच्चों अब जितनी भी किताबें उनके आस पास थी जितनी भी बुक्स उनके आस पास थी उन्होंने उसको खंगालना शुरू किया खंगालना क्या होता है उनको देखना शुरू करा कि मुझे जरूर यहाँ से कोई हिंट मिलेगा कि आखिर मराठा जीते तो मैम वोट आर द टाइमिंग्स फॉर द इलेवेंथ बेटा आठ बजे एट पी एम अब उन्होंने भाई बुक्स पढ़ी जर्नल्स पढ़ी जो उनके सामने रखी हुई थी एंड फाइनली उन्हें एक बुक मिली ठीक है बुक का नाम क्या था आप लोगों को याद रखना है बुक का नाम था भाव साहब बाची बखर ठीक है ये बुक का नाम था इस बुक में उन्हें पता चलेगा कि कैसे मराठास वॉर को जीते तो भाव साहेब बाची बकर नाम की एक बुक थी अब जो ये बकर्स की बुक थी ना रियल वर्ल्ड में वो ये बोल रहे हैं कि यार मैं ना इनकी बुक्स पे ज्यादा रिलाई नहीं करता हूँ क्योंकि इनकी बुक्स में ना ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं होती है ज्यादा अच्छे से चीजों को नहीं बताया जाता है ठीक है तो उन्हें लगता था कि जो बकर्स है ना वो बहुत ही ज्यादा कम हिस्ट्री के बारे में बताते हैं हिस्ट्री के बारे में प्रूफ देते हैं बट क्योंकि अब और किसी बुक में उन्हें मिल ही नहीं रहा है कि भाई मराठाज ने वॉर को कैसे जीता ये उन्हें बेटा किसी और बुक में मिल ही नहीं रहा ठीक है उन्हें सिर्फ बकर्स की बुक में ही मिल रहा है तो वो बोल रहे हैं वैसे तो मुझे इस बुक में ज्यादा ट्रस्ट है नहीं बट चलो अब किसी और बुक में मिल नहीं रहा है तो काम चलाने के लिए क्या करते हैं किसी बुक को पढ़ लेते हैं यहां तक क्लियर है इज इट क्लियर बच्चे पार्टी ऑल राइट right. अब आगे क्या हुआ बट इट वॉज इंटरेस्टिंग टू रीड

मान लो कि लड़ाई हो रही है ठीक है और विश्वास राव ने क्या करा अपने घोड़े को भेज दिया भीड़ में जहां पर लड़ाई चल रही है जहां पे उनके सोल्जर्स लड़ रहे हैं दे ऑल अटैच हेम अटैक डेम होगा एक्चुअली ये दे ऑल अटैक डे हेम God certainly showed mercy on him. A bullet moved very close to his ears. या बिटवीन द बुलेट एंड हिज हेड वाज वेरी स्मॉल ही कुड हैव बिन किल्ड अब यहाँ पर देखो रियल वर्ल्ड में बच्चों प्लीज ध्यान से सुनो रियल वर्ल्ड में मराठास हार गए इस बुक में क्या लिखा हुआ है जो उनके पैरेलल वर्ल्ड में एक बुक चल रही है उनकी बुक में लिखा हुआ है कि भाई गोली लगते लगते बच गई मतलब गोली मारी विश्वास राव को वो उनके कान के पास से होकर चली गई समझ में उन्होंने अपने घोड़े को क्या किया भीड़ में घुसा दिया था ना यानी कि वो खुद भीड़ में घुस गए थे लड़ने के लिए तो वहां पर जितने भी एनिमी थे उन्होंने विश्वास राव पे अटैक करा अब अटैक करते करते वो मरते मरते बचे क्योंकि उन्हें गोली मारी गई और गोली बिल्कुल उनके कान के पास से चली गई समझ में आया अब आगे क्या हुआ आठ बज बच गए बच्चों इतने में ही और लाइब्रेरियन आई पोलाइटली और उन्होंने गंगाधर पंत को क्या बोला कि अब भाई लाइब्रेरी बंद करने का टाइम हो गया यानी कि बेटा ये सब इनके पार्लल वर्ल्ड में ही चल रहा है अभी भी ठीक है लाइब्रेरी में बैठे हुए थे तो वहां पर लाइब्रेरियन आती है और बोलती भाई देखो बंद करने का टाइम हो गया ठीक है अब क्या होता है गंगाधर पंत वैसे जो उनके सोच में चल रहा होता है ना सब ऐसे रोक देते हैं ठीक है ठीक है रिक्वेस्ट करते है लाइब्रेरियन को की प्लीज आप इन किताबों को ना इसी टेबल पर रहने दीजिए ठीक है मैं सुबह आऊंगा अगली सुबह आऊंगा और मैं इन किताबों को अभी और पढ़ना चाहता हूँ उन्होंने लाइब्रेरियन से ये भी पूछा कि ये जो लाइब्रेरी है ये कितने बजे खुलती है आप मुझे टाइम बता दो मैं सुबह आ और मैं आकर पर पढ़ूंगा लाइब्रेरियन ने बोला कि सुबह आठ बजे खुल जाएगी एंड उसे ना मतलब बड़ा अच्छा लगा कि यार कोई इतना अच्छा रीडर है रिसर्चर है कि लाइब्रेरी में बुक्स में इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है कि बोल रहा है कि मेरी बुक्स को मत छुओ और सुबह आकर मैं दोबारा से पढ़ना चाहता हूँ ठीक है अब आगे क्या हुआ जब अब बेटा यहाँ से सारी मिस्ट्री शुरू होती है क्लास इलेवेंथ के बच्चों की ठीक है अब ध्यान से सुनना तुम लोग क्योंकि अब ना एक एक क्वेश्चन uh, तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा और जिसका आंसर तुम्हें चैप्टर के एंड में ही मिलेगा ठीक है और बहुत सारी वीडियोस में तो ये आंसर आपको मिलता भी नहीं है तो ध्यान से सुनना क्या हुआ जब वो लाइब्रेरी में अपने टेबल से उठ रहे थे तो प्रोफेसर ने क्या करा गलती से जो भी वो नोट्स बना रहे थे ना जो भी वो अपने नोट्स बना रहे थे बुक्स को पढ़ते पढ़ते ठीक है वो अपने पॉकेट में रख लिया वो जो पेपर था वो जो नोट था वो अपने पॉकेट में रख लिया और जो बकर वाली बुक थी ना वो उन्होंने अपने लेफ्ट पॉकेट में यानी कि जो नोट था वो राइट पॉकेट में रख लिया और जो बकर वाली बुक थी वो अपने लेफ्ट पॉकेट में इतना क्या हमें क्लियर है क्लास इलेवेंथ आज इतने कम बच्चे क्यों भाई क्लास में कल पेपर है क्या सबका चलो जितने भी बच्चे हैं क्या उन्हें इतना क्लियर है लो बिठा बारे रहे स्टोरी का समझ में आ रहा है यस और नो हाँ पेपर वाला क्वेश्चन जो क्लास इलेवेंथ का अनसोल्व ही रहता है कि भाई ये आखिर ये पेपर अभी तो ये डाल रहा है बट अब आगे आगे देखना इस पेपर को लेकर क्लास इलेवेंथ के साथ कितनी कंफ्यूजन होती है ठीक है बट कंफ्यूजन मैं क्लियर कर दूंगी हम लोग आंसर देंगे कि आखिर ये पेपर आया कहाँ से ठीक है सारी चीजें अपने आप सेंस बनाने लगेंगी थोड़ी सी देर में ऑल राइट right, अब आगे क्या होता है बच्चों तो यहाँ तक समझ में आया भाई वो उठ रहा होता है और उठते उठते ना जो नोट्स बनाता है वो अपनी राइट पॉकेट में डाल लेता है और बुक को अपनी लेफ्ट पॉकेट में डाल लेता है और चलने के लिए रेडी हो जाता है अब वो क्या करता है बच्चों गेस्ट हाउस ढूंढता है रहने के लिए एंड हैड अ ऑफ मतलब बहुत ही चीप बहुत ही सस्ता सा वो खाना खाता है बाद वो स्टार्ट करते क्या इधर उधर भटकना और आजाद मैदान की तरफ जाता है अब ध्यान देना यहाँ से चीजें तुम्हारी कॉम्प्लिकेट होना शुरू हो जाएंगी ठीक है ध्यान से समझना अब वो बेटा आजाद मैदान की तरफ जा रहा है मैदान में उसको क्या मिलता है मतलब बहुत सारी भीड़ ये सब पैरल वर्ल्ड में ही चल रहा है ठीक है अभी तक वो रियल वर्ल्ड में नहीं आया है एक भी बात रियल वर्ल्ड की नहीं करी है अपन ने सारी चीजें बेटा पैरल वर्ल्ड की चल रही है ठीक है एंड जस्ट इन केस जो बच्चे डायरेक्टली इस क्लास में आए बेटा ये चैप्टर हमने कल शुरू किया था आपके ताबड़तोड़ बैच के अं, आ, अंतर्गत एंड फर्स्ट लेक्चर आप वहां से देख लीजिएगा ये लेक्चर है है ठीक लेक् तो आजाद मैदान में ना बहुत ज्यादा भीड़ होती है और पूरी की पूरी भीड़ ना एक पंडाल एक स्टेज की तरफ जा रही होती है तो होने के वाला होता है वहां पर ना एक लेक्चर होने वाला होता है यानी कि कोई भाषण देने आने वाला होता है ठीक है एक लेक्चर होने वाला होता है तो सारी की सारी जो भीड़ है ना वो उसी तरफ जा रही होती है अब क्या होता है फोर्स ऑफ हैबिट फोर्स ऑफ हैबिट मतलब आदत के चलते बिकॉज ऑफ हैबिट जो हमारे प्रोफेसर गायतोंडे होते हैं वो भी पंडाल की तरफ चलने लगते हैं तो आज़ाद मैदान में, में आ गए हैं अभी और ये क्या कर रहे हैं पंडाल की तरफ चल रहे हैं तो वहां पे ना लेक्चर ऑलरेडी चल रहा था लोग आ रहे थे लोग जा भी रहे थे अपनी मर्जी से जब उनका मन कर रहा आ रहे हैं अपनी मर्जी से लोग वहां से जा रहे हैं लेक्चर चल रहा है बट प्रोफेसर गायतोंडे की नज़र ना ऑडियंस पे नहीं थी यानी कि प्रोफेसर गायतोंडे की नज़र क्राउड पे नहीं थी जो भी लोग थे उन पर नहीं थी ये बेटा लिख रखी है डिनर मतलब करने के बाद वो एजाद मैदान की तरफ गए एजाद मैदान में बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो रखी थी क्योंकि वहां पर एक लेक्चर हो रहा था कोई भाषण वहां पर चल रहा था लोग आ रहे थे जा रहे थे बट गायतोंडे की नजर लोगों पर नहीं थी उसकी नजर कहां थी प्लेटफॉर्म पर उसकी नजर कहां थी स्टेज पर ठीक है बच्चों तो वो क्या कर रहा है स्टेज को देख रहा है जैसे कि बहुत बहुत ही मिस्मराइज़ हो 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 मतलब अपना ज्यादा खो रखा रखा डीपली किसी अब वो क्या देख रहा है कि भाई वहां पर एक टेबल और चेयर तो है बट द लैटर वॉज अनऑक्यूपाइड लैटर मतलब जिसकी बाद बात बाद में हुई है चेयर बोला गया स्टेज के ऊपर एक टेबल और चेयर तो रखा है बट चेयर खाली है समझ रहे हो कि एक टेबल भी है एक चेयर भी है और चेयर खाली है प्रेजिडेंशियल प्रेजिडेंशियल क्या होता है जो पूरे फंक्शन का हेड है एक बुलाया जाता है ना स्पेशल गेस्ट को चेयर पर्सन को राइट तो उसकी जो चेयर है वो खाली है तो ये जो साइट होती है ये जो दृश्य होता है ना इससे वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है कैसे कैसे हो सकता है कोई भाषण हो रहा है और यहाँ पर क्या है चेयर खाली है

हमने तो चेयर खाली छोड़ी है लोग भी चिल्ला रहे कि अबे हट हाँ उतर उतर चेयर से नीचे उतर, तू है कौन है ना उसको ऐसी ऐसी सब बातें बोल रहे उसको कर रहे करे कि तू चेयर से उतर ठीक अब क्या हो रहा है लोग उसको ये भी बोलते हैं कि भाई सुन मेरी बात ये जो लेक्चर है ना इसमें कोई पर्सन नहीं है चेयर खाली रहती है तू उठ जा तू वहां पे नहीं बैठेगा ठीक है ये चेयर सिर्फ एक सिंबॉलिक है सिंबॉलिक मतलब बस प्रतीक है की हाँ चेयरपर्सन होता है बट एक्चुअल में हमने किसी चेयरपर्सन को बुलाया नहीं है यहाँ बैठने के लिए तू भी इस चेयर पे नहीं बैठ सकता तू से उठ जा ठीक है तो लोग उसको यही बात बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं अब उसे क्या लग रहा है कि ये क्या नॉनसेंस है ऐसे कैसे लेक्चर हो सकता है तुमने हेड को नहीं बुलाया तुमने चेयरपर्सन को नहीं बुलाया ठीक है तो उसका दिमाग वहां पर जा रहा है तो उसको लगता है कि पब्लिक लेक्चर तो हो ही नहीं सकता ना अगर हेड ऑफ गैदरिंग को आप नहीं बुला रहे हो तो कोई भाषण कोई पब्लिक लेक्चर हो ही नहीं सकता तो प्रोफेसर गायतोंडे क्या करते हैं माइक पे चले आते हैं यानी कि वो जो स्पीकर भाषण दे रहा होता है उसे साइड करते खुद माइक पकड़ लेते हैं और अपने जो थॉट्स हैं उसे बेटा जी एक्सप्रेस करने लगते हैं अपने इमोशंस को उन्हें लगता है कि भाई अगर अगर आप कोई लेक्चर दे रहे हो और उसमें कोई हेड नहीं है तो ये बिल्कुल किसकी तरह है यहाँ पर देखो आपकी एनसीईआरटी में लाइन है एन लेक्चर इज लाइक शेक्सपियर विदाउट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क तो आप कभी आगे इंग्लिश लिटरेचर को अगर ऑप्ट करोगे तो आप शेक्सपियर का एक बहुत ही फेमस प्ले पढ़ोगे हेमलेट तो उसमें जो प्रिंस ऑफ डेनमार्क है ना बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ठीक तो यहाँ पर भी यही बोला गया है कि भाई ये तो वही बात हो गई कि प्ले में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ही मिसिंग है कि अगर किसी भी आ, पब्लिक गैदरिंग का आप लोगों के पास वो नहीं है आ, कोई भी हेड नहीं है है ना अगर हेड ही नहीं है सो वट डज दैट मीन का ये मतलब है कि जैसे कि प्ले से वही गायब हो तो हमारा मेन कैरेक्टर वही गायब हो तो वो अपने माइक पे ये थॉट्स क्या करने लगते हैं माइक पे ये थॉट्स बोलने लगते हैं ठीक है एक सेकेंड देना मुझे बट right. भाई ऑडियंस का दिमाग खराब हो रखा होता है ऑडियंस सुनने के मूड में नहीं है ऑडियंस को कुछ सुनना ही नहीं है कि भाई तू कौन है है ना क्या प्ले है कौन चेयर पर्सन हमें नहीं जानना नहीं सुनना तो वो प्रोफेसर गायतोंडे को वो रिक्वेस्ट कर दे कि प्लीज़ आप हमें कोई एडवाइस मत दीजिए हमें पता है क्या करना है आप हमें कोई सलाह मत दीजिए हम किसी भी नेता को या किसी भी बड़े आदमी को नहीं बुलाना चाहते क्योंकि हम थक गए हैं फालतू की बातें सुन सुन के वोट मांगना होता है तो ये लोग आ जाते हैं वरना नहीं आते तो हमें किसी को नहीं बुलाना है सो लोग उसको ये सब बोल रहे हैं कि हम बोर हो गए हैं क्योंकि चेयर पर्सन जो कमेंट्स बोलता है बड़े बड़े इंट्रोडक्शन देता है करता है है ना वोट ऑफ थैंक्स करता कि धन्यवाद बुलाने का फलाना हमें ये सब नहीं सुनना हमें सीधा मुद्दे की बात सुननी है जिसके लिए हम आए हैं ठीक है बेटा तो वो क्या बोल रहे हैं कि हमें किसी भी हेड को नहीं बुलाना क्योंकि वो लंबे लंबे इंट्रोडक्शन देगा है ना थैंक यू बोलेगा धन्यवाद देगा लेगा दस लोगों से तो अपने को क्या करना है सीधा कट टू कट स्पीकर की बात सुननी है घर जाना है क्राउड तो बोलता है कि कि वी हैव स्टॉप्ड लॉन्ग अगो ये जो पुरानी है ना ये तो हम बहुत पहले छोड़ चुके हैं अब कोई चेयरपर्सन वगैरह हम लोग नहीं बुलाते हैं तो दे हिम टू द प्लेटफॉर्म विकेट मतलब खाली कर दो तो सारे लोग उससे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि प्लीज आप यहाँ से हट जाइए आप इस स्टेज को इस प्लेटफॉर्म को इस पंडाल को खाली कर दीजिए बट गंगाधर पंथ जो है वो इससे पहले बेटा मीटिंग्स में भाषण दे चुके होते हैं बट सबसे अग्रेसिव ऑडियंस उन्हें पुणे में मिली होती है कि मैं तो ऑलरेडी ये सब हैंडल कर चुका हूँ मैं इन्हें भी हैंडल कर लूंगा तो वो अपना भाषण रखते हैं हैं समझा रहे होते कि क्या इंपॉर्टेंस होती है है एक हेड के होने की ठीक है? इतना समझ में आया अब आगे क्या हुआ बच्चे पार्टी इतना क्लियर है कल वाली क्लास में कौन कौन लोग थे फटाफट से मुझे कमेंट करके बताएंगे और ये भी बताएंगे मेरे सारे बच्चे कितना क्लियर है कि नहीं और जो बच्चे नहीं आए और जो रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे ना वो मुझे कमेंट में बताएंगे कि वो क्यों नहीं आए आज की क्लास में चलो तो आगे बढ़ते हैं अब आगे क्या हुआ भाई लोगों को गुस्सा आ गया लोगों ने टमाटर फेंकना शुरू कर दिया उसके ऊपर ठीक है बेटा तो अब टोमेटो एग्स अदर ऑब्जेक्ट जो जिसके हाथ में आ रहा है सब उसको मारना शुरू कर रहे हैं। बट वो क्या कर रहा है वो बहुत बहादुरी दिखा रहा है कि नहीं आज तो भाई तुम्हारा बोलेगा आज तो भाई को कोई नहीं रोक सकता ठीक है तो वो ब्रेवली अपना बोले जा रहा है बट लोग उस उसमें टमाटर वगैरह सब फेंकना शुरू कर रहे हैं एंड उसको क्या करना है ये जो बैड प्रैक्टिस है उसके अकॉर्डिंग की हेड का ना होना इज अ बैड प्रैक्टिस उसको ये बंद कराना है ठीक है तो लोग उस पर टमाटर वगैरह सब फेंक रहे हैं तो फाइनली लोगों को लगता है कि इसके दिमाग में बात जा नहीं रही है तो लोग क्या करते हैं बेटा लोग चढ़ जाते हैं स्टेज पे ठीक है दे क्लाइंब टू द प्लेटफॉर्म एंड उसको उठाते हैं और उसको प्लेटफॉर्म से नीचे फेंक देते हैं गंगाधर पंथ को एंड आफ्टर दैट गंगाधर पंथ बिल्कुल भी कहीं पर भी दिखाई नहीं समझ में आया क्या हुआ अच्छा कभी किसी को सपना आया है कभी ऐसा हुआ है कि तुम लोग सपने में हो और सपने में तुम कहीं से गिर गए और एकदम से तुम्हारी आंख खुलती है कभी ऐसा हुआ है किसी के साथ कि हम किसी बड़ी सी क्लिफ से गिर गए पहाड़ से गिर गए बेड से गिर गए पर सपने में असली में नहीं कभी हुआ है कि ऐसा होता है और एकदम से मेरी आंख खुल जाती है किसी ने भी एक्सपीरियंस किया है ये आई गेस सबने किया होगा है ना तो एकदम से हमारी आंख खुल नहीं जाती अगर ऐसा कुछ होता फिर हमें लगता है अरे नहीं नहीं सपना था राइट तो बेटा ये भी अभी तक इसका पैरेलल वर्ल्ड था क्योंकि ये कोमा में है अब एकदम से क्या हुआ जैसे ही लोगों ने इसको पटका जैसे ही लोगों ने बाहर फेंका ये कहीं दिखाई नहीं दिया यानी कि इसको होश ठीक है अभी तक इसके अंदर एक दुनिया चल रही थी ये अपना पड़ा हुआ है और अंदर ही अंदर ये देख रहा है कि ये आजाद मैदान में, में है ये लाइब्रेरी में है मराठास जीत गए हैं ये हो गया ये सब इसके अंदर चल रहा है अभी एकदम से क्या हुआ वो जो ऐसे शौक सा मिला ना एक एक जो सा मिला अब ये अपने कॉमा से बाहर आ गया ठीक है ये क्या हो गया कौमा से बाहर आ गया उठ गया अब यहां से चैप्टर में क्या लिखा है दैट इज ऑल आई हैव टू टेल राजेंद्र यानी कि अभी अपनी रियलिटी में है और इसने सारी बातें किसको बता दी राजेंद्र को अपने को बता दी भाई यही सब है जो मुझे बताना है सब हुआ मेरे साथ जब मैं कॉमा में था ठीक है बेटा हितेश सपने में कोई कहीं भी कुछ भी रख सकता है ठीक है तो उसके सपने में या जब वो कॉमा में था जब क्या हुआ उसकी बातों का कोई सेंस नहीं है कि वो आजाद मैदान कब पहुंचा वहां से कब सब यहाँ और हम भी अपने सपने में एक मोमेंट पे अपने घर पर होते हैं और उसके बाद मनाली में होते हैं ना कहीं पर भी जाते हैं अब उसका कोई सेंस नहीं है कि हम मनाली कौन सी ट्रेन पकड़ के पहुंचे अपने दिमाग के अंदर वो नहीं है ठीक है तो बिल्कुल वैसे ही वो भी कॉमा में है और कॉमा में उसके दिमाग में क्या चल रहा है उसका कोई सेंस नहीं ठीक अब आगे क्या हुआ देखो ऑल आई नो इज दैट आई वो फाउंड इन दी आजाद मैदान इन द मॉर्निंग बट आई वॉज बैक इन द वर्ल्ड आई एम फेमिलियर विद Now where Where exactly did I I I spend these two days? I, I, where I, when I was absent from? गया था सुबह ठीक है और अब मैं इस दुनिया में वापस आ गया हूँ अपनी रियलिटी में वापस आ गया हूँ जिस दुनिया को मैं जानता हूँ बट मैं ये दो दिन तक कहाँ था मैं ये दो दिन तक कौन से वर्ल्ड में था मुझे ये जानना है ठीक है अब देखो आगे क्या हुआ

वो तो बोल रहा है कि मुझे एक बात बताओ जब आपका आपकी कार का ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया तब आप एग्जैक्टली exactly क्या कर रहे थे आप मुझको ये बताओ ठीक है अब प्रोफेसर बोलता है कि मैं ना के बारे में सोच रहा था अब बेटा यहाँ पर ना दो टर्म्स हैं ठीक है ठीके? पहला है कैटेस्ट्रोफिक थ्योरी क्या होता है ये होता है कि किसी भी छोटी सी चेंज कोई भी छोटा सा चेंज होगा तो उससे आगे का पूरा बिहेवियर चेंज हो जाएगा यानी कि जैसे कि हिस्ट्री में अगर कोई भी छोटा सा चेंज होगा अगर जो अभी हमें इतिहास पता है अगर कोई भी उसमें छोटा सा चेंज होगा तो आगे तक का टाइम बदल जाएगा वो एक मूवी थी ना अक्षय कुमार की एक मूवी थी उसका बेटा था उस मूवी में आदित्य रॉय कपूर है ना और वो पीछे चला जाता है टाइम मशीन में क्योंकि प्रेजेंट में ऐश्वर्या राय भी थी उस मूवी में कौन सी मूवी थी वो किसी ने देखी है तो होता है ना अक्षय कुमार और ऐश्वर्या एक दूसरे से प्यार नहीं करते तो उनका बेटा पास्ट में जाता है उनके बीच में चीजें ठीक करता है और फिर प्रेजेंट में वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है राइट तो एक मूवी भी है तो बेसिकली हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि जब भी पास्ट में कुछ भी होगा तो उसका इफेक्ट सारे इवेंट्स पे पड़ेगा तो इसे बोलते हैं कैटेस्ट्रोफी थ्योरी यानी कि शिफ्ट इन बिहेवियर कॉज बाय चेंज और उसके इम्प्लीकेशन मतलब उसके रिजल्ट तो यहाँ पर राजेंद्र जो है वो समझाना चाह रहे हैं उन्हें कैटास्ट्रोफिक थ्योरी के बारे में ठीक है अभी आपको आगे आगे समझ में आएगा तो प्रोफेसर रिप्लाई करते हैं कि मैं कैटेस्ट्रोफिक थ्योरी के बारे में सोच रहा था कैटास्ट्रोफिक थ्योरी क्या है कैटेस्ट्रोफिक थ्योरी मतलब अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो क्या सोच रहे थे वो सोच रहे थे कि अगर बैटल ऑफ पानीपत में मराठास जीत जाते तो कैसा होता समझ में आया राजेंद्र ने राय तो से पूछा एक्सीडेंट से पहले तुम क्या कर रहे थे वो बोलता है एक्सीडेंट से पहले मैं कैटेस्ट्रोफिक के, के बारे में सोच रहा था यानी कि अगर हिस्ट्री में छोटा सा भी चेंज होगा अगर बैटल ऑफ पानीपत में मराठा जीत जाते तो आज क्या होता ये मैं सोच रहा था अब राजेंद्र उन्हें समझाएंगे कि ये कैटेस्ट्रॉफिक थ्योरी असली में उनके दिमाग पे क्या काम किया ठीक है सो आई होप इतना समझ में आपको आ गया तो अभी क्या हुआ प्रोफेसर टोल राजेंद्र नॉट टू स्माइल राजेंद्र क्या कर रहा था स्माइल कर रहा था ये सब सुन के ठीक है अगली मतलब बहुत ही प्राइड के साथ प्राउडली बहुत स्माइल कर रहा था तो गायतोंडे बोलते हैं उनको यार देख प्लीज स्माइल मत कर ठीक इफ यू अंडरस्टूड दैट आई वाज थिंकिंग अबाउट समथिंग नॉट अब बिहेविंग विदाउट एनी कंट्रोल ऑन माई सेल्फ प्लीज हैव अ लुक एट दिस तो वो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं गायतोंडे बोल रहा है बोल रहा, अगर तुझे लग रहा है ना कि मैं अपने आप से कहानी बना रहा हूँ और मेरा जो माइंड है वो मेरे साथ खेल रहा है है ना और मैं सिर्फ ये चीजें इमेजिनेट मतलब इमेजिनेशन में है मेरी इमेजिन कर रहा हूँ तो ये ले तू तो ये देख अब बच्चों यहाँ से आएगा आपका कंफ्यूजन क्या कंफ्यूजन है क्या देता है गाय तो अंडे राजेंद्र को राजेंद्र कौन है उनके दोस्त हैं ठीक है थीके? यहां तक समझ में आ रहे गाइस तुम सुन भी रहे हो कि नहीं मुझे ये भी नहीं पता है क्योंकि आज तुम लोग कमेंट नहीं कर रहे हो जी यहां पे जितने बच्चे पूछ रहे हैं राजेंद्र कौन है गायतोंडे का दोस्त है ठीक है सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा अभी कि क्या हुआ था इनके साथ ओके okay, राजेंद्र इज द फ्रेंड ऑफ गायतोंडे तो अभी राजेंद्र बोल रहा है कि अच्छा तुम यही सोच रहे थे ना कि अगर बैटल ऑफ पानीपत में मराठा जीत करते तो क्या हुआ होता इसलिए तुम्हारे दिमाग ने तुम्हारे साथ खेला तू बोलता हो oh, हेलो ऐसे मत सोचो कि मैं अपने आप बता रहा हूँ ये देखो मेरे पास क्या है उसने बेटा क्या दिखाया एंड ट्राइम ट्राइम मतलब क्या होता है जीतना कि जैसे वो कोई बैटल जीत रहे हो ना बिल्कुल उस खुशी के साथ प्रोफेसर गायतोंडे ने, ने क्या दिखाया वो पेज दिखाया तो उन्होंने अपनी जेब में डाला था ठीक है याद है ना लाइब्रेरी में वो उन्होंने पेज फाड़ लिया था यहाँ पर बता रहा था है ना वो गायतोंडे के मैंने ना पैरेलल वर्ल्ड में लाइब्रेरी में एक पेज फाड़ा था मतलब पेज फाड़ा था मतलब अपने नोट्स में से मैंने जब नोट्स बना रहा था तो एक पेज मैंने अपनी जेब में डाला था ये देख वो पेज मेरे पास अभी भी है ठीक है तो वो क्या कर रहे है उन्होंने पॉकेट में से एक पेज निकाल कर दिखा दिया ही थॉट दैट इट वॉज एन इम्पोर्टेंट प्रूफ और उन्हें लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है कि देख मैं जेनुअनली कहीं पर था ऐसा नहीं है कि मैं इमेजिन कर रहा हूँ अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ये पेज आखिर आया तो आया कहाँ से उसकी जेब में है ना क्योंकि ये बहुत बच्चों का क्वेश्चन है कि मैम ये पेज आया तो आया कहाँ से हाँ ये अभी कैसे आया मैम अगर वो सब उसके दिमाग में चल रहा है तो ये कैसे आया देखो जब एक्सीडेंट से पहले अब मैं तुम्हें तो जो मिस्टीरियस पार्ट है वो अभी खोल दे रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो तुम लोगों को एक्सीडेंट से पहले जब गाड़ी टकराई है ना उससे पहले वो क्या कर रहा था इसी टॉपिक पे तो प्रिपेयर कर रहा था अपने नोट्स को इसी टॉपिक के बारे में तो सोचकर अपने नोट्स बना रहा था कि अगर बैटल ऑफ पानीपत में मराठा जीत जाते तो क्या होता और वही नोट पॉकेट में था जो वो डिलीवर करने जा रहा था तभी उसका एक्सीडेंट हो गया समझ में आया तो जब वो अपने पैरेलल वर्ल्ड में गया तो के दिमाग में सारा खिचड़ी पका बट जो वो अभी दिखा रहा है वो वही नोट है जो एक्सीडेंट से पहले उसने अपने जेब में रखा था ठीक है क्लियर हाँ अब देखो आगे क्या होगा राजेंद्र ने पेपर के वर्ड्स पढ़े एंड उनके एक्सप्रेशन चेंज हो गए

तो तब हुआ, एक एक तो 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 सुबह लाइब्रेरी जाने वाला था इस बुक को लौटाने के लिए बट सुबह तो हुई नहीं आजाद मैदान से ही उसे भगा दिया गया तो बट आगे बताता है कि जो आजाद मैदान में जो भीड़ था जो क्राउड था वहां पर मेरे से वो बुक खो गई आप देख रहे हो बुक नहीं है उसके पास यहाँ रियल वर्ल्ड में के पास सिर्फ वो एक नोट है जो ऑलरेडी एक्सीडेंट से पहले उसकी जेब में था बुक नहीं है बुक वो बोल रहा है कि वो आजाद मैदान में, में, में मेरे साथ भीड़ भाड़ हुई थी ना तो वो बुक मेरे से खो गई वहां पर अब मेरे पास केवल ये फटा हुआ पेज है द पेज हैज एन प्रूफ तो इस पेज में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रूफ लिखा हुआ है तो राजेंद्र ने एक बार दोबारा पेज को पढ़ा और उसमें लिखा हुआ था कि कैसे जो विश्वास राव है वो बिल्कुल बुलेट से मरते मरते बच गया और मराठास जीत गए एंड सारी हिस्ट्री चेंज हो गई कि टॉपिक पे वो लेक्चर देने जा रहा था और यही सब इस पेज पर बच्चों एक्सप्लेन कर रखा था अब गंगाधर पंत ने क्या करा अपनी की खुद की लिखी हुई उन्हें कॉपी दिखाई खुद की लिखी हुई बातें दिखाई उन्होंने पेज खोला और उस पेज पे क्या लिखा हुआ था उस पेज पे लिखा हुआ था कि विश्वास राव ने अपने हॉर्स के साथ आर्मी में जैसे अभी हमने देखा था कि विश्वास राव भीड़ में घुस गए तो उन्होंने क्या करा अपनी मतलब आज की रियल वर्ल्ड की हिस्ट्री की बुक खोली अपनी लिखी हुई और उसमें दिखाई कि क्या लिखा है जो रियल हिस्ट्री थी वो क्या था रियल हिस्ट्री ये थी कि भाई विश्वासराव ने अपना घोड़ा लेकर गए वो क्राउड के अंदर एनिमीज के पास एंड एनिमीज ने उन्हें अटैक करा और गॉड ने क्या करा अपना गुस्सा दिखाया और बुलेट लग गई और विश्वासराव मर गया ये असली हिस्ट्री थी अब विश्वासराव मर गया तो जितनी भी उसकी सेना थी उन्होंने भी अपने होप्स खो दी और मराठा हार गए और इसलिए आज हमारी हिस्ट्री ऐसी है ये रियलिटी थी बट वो लेक्चर डिलीवर करने जा रहा था तो वो सब ये सोच के जा रहा था कि अगर बुलेट बच गई होती मराठा जीत गए होते वो तो कैसा होता और क्योंकि वो लेक्चर डिलीवर कर ही नहीं पाया उससे पहले एक्सीडेंट हो गया तो वो एक्चुअल में अपने दिमाग में यही सब सोचने लगा कि वो उस वर्ल्ड में है जहां पर मराठास जीत गए नाउ कंफ्यूजन क्लियर है ठीक है अभी आगे क्या हुआ राजेंद्र ने प्रोफेसर गायतोंडे को बोला कि देखो भाई तुमने तो मुझे टॉपिक दे दिया मतलब आ, गंभीर बात लग रही है मेरे को। मेरे को को थोड़ा सा इसके बारे में सोचना पड़ेगा आप प्रूफ देखने से पहले वो बोल रहे थे कि मुझे लग रहा था कि ये बस तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है वो बस एक इमेजिनेशन है तुम बस इमेजिन कर रहे हो बट अब मुझे लग रहा है कि इमेजिनेशन से भी ज्यादा सच हो सकता है प्रोफेसर गायतोंडे ने पूछा कि तुम किस बेसिस पे ये बोल रहे हो क्योंकि वो बहुत ज्यादा ईगर थे जानने के लिए कि एक्चुअल में उनके साथ क्या हुआ ठीक अब राजेंद्र क्या करता है प्रोफेसर गाय अंडे की तरफ सिग्नल करता है कि ऐसे करके सिग्नल करता है कि तुम छुपो जाओ ही स्टार्टेड वॉकिंग इन द रूम और वो ऐसे गंभीर तरीके से ना रूम में वॉक करने लगता है वो दिमाग लगा रहा है कि क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है इसका तो फाइनली राजेंद्र प्रोफेसर की तरफ देखता है और बोलता है कि देखो मैं तुम्हें साइंस की दो थ्योरी के ऊपर समझाता हूं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ अब बेटा यहां पर ना देखो आगे ना थोड़ा सा साइंस साइंस है ये है क्योंकि क्योंकि ये फिक्शन बट हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो हम लोग साइंस में नहीं जाएंगे मैम मेरे स्कूल में ऐसे पढ़ाया गया था कि कुछ समझ नहीं आया बट अभी आ रहा है समझ अभी तो ऐसा नहीं हो रहा ना कि समझ नहीं आ रहा अभी ऐसा नहीं होना चाहिए अभी समझ में आ रहा है ना ठीक है तो अभी क्या हुआ अभी वो बोल रहा है कि मैं आपको ना दो साइंस की थ्योरी बताता हूँ जिसके बेसिस पे शायद आपको समझाने की मैं कोशिश करू ठीक है तो अब वो बोल रहा है कि हो सकता है मैं आपको कन्विंस कर भी पाऊं हो सकता है मैं आपको ना भी बट आपने जो भी एक्सपीरियंस किया है बहुत ही फेंटास्टिक एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव भी है सोचने पर मजबूर कर दिया बट फेंटास्टिक आप कुछ एक्सपीरियंस करके आए हो अब प्रोफेसर गायतोंडे राजेंद्र को बोलता है कि आप बोलो मैं आपको ध्यान से सुन रहा हूँ आप मुझे जो भी समझाना चाह रहे हो मैं आपको ध्यान से सुन रहा हूँ अब तो वो राजेंद्र को बोलते हैं कि ठीक है कॉन्टिन्यू राजेंद्र क्या बोलता है वॉक करते करते वो समझाने की कोशिश देखो हुआ क्या राजेंद्र को भी नहीं पता ठीक है बट वो अपने एंड से समझाने की कोशिश करता है कि भाई चलो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ राजेंद्र ने बोला कि आपने ना जरूर कैटेस्ट्रोफिक थ्योरी के बारे में सुना होगा अभी अभी हमने डिस्कस किया था ना कैटेस्ट्रॉफिक थ्योरी क्या होता है कि अगर कुछ भी चेंज होगा तो उससे आगे वाले जो इवेंट्स है वो सब चेंज होंगे उन पर प्रभाव पड़ेगा राजेंद्र बोलता है आपने वो कैटेस्ट्रोफिका बैटल ऑफ पानीपत पे अप्लाई करी है ना कि अगर पानीपत में मराठास जीत गए होते तो कैसा वो वर्ल्ड होता वो आपने अपने दिमाग में सोच लिया अब समाइम सोल्जर्स क्या करते हैं डायरेक्टली फाइटिंग फेसिंग ईच अदर इन एन ओपन ग्राउंड

पर वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि पूरा का पूरा जो का जो सोल्जर्स का मनोबल है वो किससे आता है अपने लीडर से जब तक उनका लीडर जिंदा है वो भी लड़ते हैं अगर उनका लीडर ही नहीं है तो उनका पूरा का पूरा जो मोटिवेशन होता है वो टूट जाता है ठीक है तो वो यही बोल रहा है कि दोनों की आर्मी सेम होती है दोनों के पास हथियार सेम होते हैं जो तो विक्ट्री है ना वो डिपेंड करती है लीडर्स की क्वालिटी पे और आपके सोल्जर्स कितने मोटिवेटेड है क्योंकि दोनों आर्मी के पास सोल्जर्स होते हैं दोनों के पास होते हैं दोनों के पास हर चीजें होती है हमारी जो जीत है वो किस पे निर्भर करती है मोटिवेशन पे और लीडर पे कि कितना अच्छा लीडर है अब वॉर में क्या हुआ तो जो चेंज आया वो विश्वासराव से ही आया ना रियल वर्ल्ड में विश्वासराव मर गया बट आप जिस पैरेलल वर्ल्ड में गए वहां पर विश्वासराव बच गया यही चेंज तुमने एक्सपीरियंस किया ना बस एक छोटी सी चेंज चेंज से सारी आगे की चीजें बदल गई ना तो यही तो है कैटास्ट्रफिक यही वो समझाने की कोशिश ठीक है लिया के भाई विश्वास राव कौन था पेशवा का बेटा था और मराठा एंपायर का राजा था तो अभी ये जितना भी लिखा है बेटा इसकी एक्सप्लेनेशन यहां देखेंगे तो वो बोल रहा है कि अगर हम हिस्ट्री की बुक्स उठाकर देखें ठीक है तो जो भाव साहेब थे यानी कि विश्वास राव के मरने के बाद जो भाव साहब भाव साहेब थे उसके अंकल वो फटाफट फड़ से उस जगह पे आए जहां पर विश्वास राव लड़ रहा था एंड फिर वो उसके बाद किसी को दिखाई नहीं दिए यानी कि भाव साहब गायब हो गए भाव साहब को कभी देखा ही नहीं गया ठीक है अब किसी को पता नहीं वो मारे गए या वो जिंदा है कहा है पता नहीं बट जो सोल्जर्स है उन्होंने अपना पूरा का पूरा मोटिवेशन खो दिया कि उनके लीडर्स ही गायब हो गए क्योंकि सोल्जर्स ने अपना मोटिवेशन खो दिया इसलिए वो वॉर हार गए और अब्दली जीत गया के तो ये हुआ था ये पूरा का पूरा उसने सीन बताया किसको गाय तोंडे को क्लियर एवरीवन अब यहाँ पर आगे क्या हुआ इसकी एक्सप्लेनेशन हम याद देखेंगे और वो बोलता है कि वो प्रोफेसर जो तुमने मुझे पेज दिखाया कि वो किस चीज का है आउटकम ऑफ द बैटल आफ्टर द बुलेट डिड नॉट हिट सुभाष राव यानी कि उस पेज पे वो चीज डिस्क्राइब हो रखी है कि अगर बुलेट विश्वास राव को नहीं लगी होती तो चीजें कैसी होती ठीक है इस इवेंट का एक और इम्पोर्टेंट इफेक्ट हुआ वो क्या था दे वर नाउ मोटिवेटेड यानी कि अगर विश्वास राव को बुलेट नहीं लगी होती तो सोल्जर्स अभी भी मोटिवेटेड ही होते राइट right? और क्योंकि सोल्जर्स मोटिवेटेड ही होते तो ऑब्वियसली वो जीत जाते यानी कि केवल विश्वास राव के मरने से ना मरने से एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हुआ समझ में आया ये इसने पूरा का पूरा चीज वो उसको समझा रहा है कि विश्वास राव के मरने से पूरा का पूरा डिफरेंस क्रिएट हुआ अब तो आगे क्या हुआ गंगाधर पंत बोलता है हाँ बात तो तुम्हारी सही है सिमिलर सी चीज बैटल ऑफ वाटर में भी हुई थी ठीक है ना ऐसा बोला जाता है कि हो सकता है नेपोलियन वो बैटल को जीत जाता और वर्ल्ड की एक अलग हिस्ट्री होती बट वॉट कुड हैव हैपेंड इज इमेजिनेशन ये जो थॉट है हमारा what could have happened अगर मराठा जीत जाते तो क्या होता ये कि इमेजिनेशन तो है तो वो ने समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो है ना व्हाट कुड हैव हैपेंड अगर ऐसा हो जाता अगर हमारे अच्छे नंबर आते तो ऐसा हो जाता ये क्या है ये एक इमेजिनेशन ही तो है ठीक है इट इज नॉट द रियलिटी ये रियलिटी नहीं है राजेंद्र बोलता है दैट ही डिड नॉट एग्री विद गंगारपंत ही वांट्स टू एक्सप्लेन हिज सेकंड पॉइंट वो बोलता है कि देखो रुक जाओ अपना सेकंड पॉइंट भी एक्सप्लेन करना है तो अब आगे वो अपना सेकंड पॉइंट क्या समझाता है राजेंद्र बोलता है कि हमें ना रियलिटी का मतलब समझना पड़ेगा हमें क्या लगता है रियलिटी वही है जिसमें हम जी रहे हैं बेटा यहाँ से प्लीज आप ध्यान हाँ बेटा तृष्णा उसी पर आ रही हूँ एक मिनट रुको पर आ रही हूँ वो क्या बोल रहे हैं कि हमें रियालिटी को समझना पड़ेगा रियालिटी एक नहीं है। Yeah, अब यहाँ पर थोड़ा सा वो अपना साइंस का दिमाग लगा रहा है क्या बोल रहा है कि रियालिटी को हमें समझना पड़ेगा वी डायरेक्टली फील इट और मेजर इट थ्रू अभी हम जहाँ हैं हमें लगता है वही रियालिटी है बट रियालिटी इज लिमिटेड टू वट कैन बी सीन यंगाधर पंथ इफ रियालिटी तो क्या बोलता है क्या रियालिटी वही है जो हम अभी देख पा रहे हैं ऐसा भी तो हो सकता है सेम टाइम पर कहीं और भी कोई दुनिया चल रही हो हो सकता है कि नहीं जल्दी बताओ ऐसा हो सकता है ना कि सेम टाइम पर कहीं और पे कोई और दुनिया चल रही हो हमें उसके बारे में ना पता हो राइट right? अब आगे क्या हुआ यहाँ पर जितना भी लिखा है उसका हम अंडरस्टैंडिंग यहाँ देखेंगे तो थ्रू एक्सपेरिमेंट ऑन एंड देयर पार्ट इट है तो वो बोले गए की बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करे गए और बोला गया कि रियालिटी एक ही नहीं है रियालिटी बहुत सारी है

जो भी तुमने एक्सपीरियंस किया मैं उसको कम्प्लीटली ये नहीं बोल रहा कि वो तुम्हारी इमेजिनेशन है जैसे अभी तृष्णा पूछ रही थी कि मैम क्या वो ड्रीम वर्ल्ड तो इट्स नॉट ड्रीम वर्ल्ड इट्स पैरल वर्ल्ड ठीक है अब वो पैरल वर्ल्ड को ही एक्सप्लेन कर रहा है कि देखो ये इमेजिनेशन हो भी सकती है और हो सकता है कि ये इमेजिनेशन ना भी हो अब इमेजिनेशन ना भी हो इसका मतलब क्या है मैम तो यही बात राजेंद्र एक्सप्लेन करने की कर रहा है कि देखो रियालिटी ना यूनिक नहीं है यानी कि ऐसा नहीं है कि जो आप देख रहे हो और मैं देख रही हूँ वही रियल है ऐसा भी हो सकता है कहीं और पे कुछ और वर्ल्ड चल रहा हो और हमें उसके बारे में ना पता ठीक है तो वो इसको साइंस के थ्रू समझाने की कोशिश करता है लैक ऑफ डिटर्मिनिजम इन क्वांटम थ्योरी के थ्रू वो एक्सप्लेन करता है अब हमें ज़्यादा साइंस में नहीं जाना है कि ऑब्वियसली हम लोग पढ़ रहे हैं बट जितना ऊपर ऊपर से पढ़ना है वो मैं आपको पढ़ा दूंगी तो यहाँ पर क्या लिखा है वो बोल रहा है कि देखो अगर एक इलेक्ट्रॉन अपने सोर्स से निकलता है तो हमें नहीं पता वो कहाँ जाएगा वैसे ही जैसे कि अगर मैं एक गन से एक बुलेट को फायर करता हूँ मान लो मेरे पास एक गन है और मैं क्या कर रहा हूँ उसमें से बुलेट निकल कर जा रही है तो भाई वो क्या करेगी सर्टेन डायरेक्शन में मैं फायर करूंगा और वो बुलेट एक सर्टेन स्पीड में जाएगी तो मैं उसकी मूवमेंट को प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि भाई ये वहां तक जाएगी या अगर मैं इस डायरेक्शन में मार रहा हूँ तो ये वहां तक जाएगी मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ ठीक है बट मैं इलेक्ट्रॉन को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता साइंस में इलेक्ट्रॉन आपने पढ़ा होगा राइट right? तो इलेक्ट्रॉन को मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता वो कहीं भी जा सकता है मैं बस प्रोबेबिलिटी बता सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा बट मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता आगे प्रोफेसर गायतोंडे ने बोला कि दैट इज बिकॉज क्वांटम थ्योरी के नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग अब ये क्वांटम थ्योरी क्या होता है देखो यहाँ पर ये तुम देख रहे हो इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है नेगेटिवली पॉजिटिवली चार्ज्ड राइट तो क्या बोला जा रहा है बोला जा रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स एक टाइम पर कहीं पर भी हो सकते हम प्रिडिक्ट कर सकते हो सकता है ये अभी ये है यहाँ पर है ये यहाँ पर आ जाए फिर ये यहाँ से यहाँ पर आ जाए फिर ये यहाँ से यहाँ पर, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते बट ये एक टाइम पर एक ही जगह पर होगा ठीक है समझ में आया तो वो यही बोल रहा है कि जो लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी है ये इसकी वजह से है प्रोफेसर गायतोंडे बोलते हैं तो राजेंद्र बोलता है तो अभी तुम्हें समझ में आ गया होगा कि एक सिचुएशन की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है यानी कि बहुत सारे पैरल वर्ल्ड हो सकते हैं ठीक है वर्ल्ड हो हो सकती, एक अलग हो मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुमने जो एक्सपीरियंस करा है वो बिल्कुल तुम्हारी इमेजिनेशन है हो सकता है तुम एक्चुअल में किसी पैरल वर्ल्ड में ट्रैवल करके आए हो अपने दिमाग के अंदर वो उसको बस की कोशिश ठीक है इन ईच पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन वी बीन टॉकिंग अबाउट

तो प्रोफेसर गायतोंडे जो है वो राजेंद्र हैं कि क्या ये जो वर्ल्ड अलग अलग जो दुनियाएं हैं क्या वो आपस में कनेक्टेड है तो राजेंद्र सर्कल कर रहा है न्यूक्लियस ऑफ एन एटम यानी कि सर्कल काट रहा है चक्कर काट रहा है अब जैसे कि प्लानिट चक्कर काटते हैं अराउंड ने बीच में बोला वो बोलते हैं नहीं नहीं इसकी तरह नहीं है एक्यूरेट ऑफ़ द प्लैनेट यानी कि हमें प्लैनेट्स का एक्चुअल पाथ पता होता है कि प्लैनेट्स कहाँ पर चक्कर काटेंगे बट हमें इलेक्ट्रॉन्स का एक्चुअल पाथ नहीं पता होता वो कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हैं ठीक है और इन स्टेट्स को हम वर्ल्ड बोलते हैं कहने का क्या मतलब है भाई ये जो ऑर्बिट्स है ना ये डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड है और एक टाइम पर एक इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी हो सकता ठीक तो वो ये बोल रहा है इन वन कंडीशन इलेक्ट्रॉन कैन हैव अ हायर एनर्जी इन अदर सिचुएशन इट मे हैव अ लोअर एनर्जी लेवल कहने का क्या मतलब है ये जो हमारा डायग्राम था वो बोल रहा है हो सकता है एक लेवल पे वो बहुत ही हाईली चार्ज हो और दूसरे लेवल पे नेगेटिवली चार्ज हो ठीक है तो वो उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है ध्यान से समझना समझ में आ जाएगा देखो लिखा इन वन कंडीशन इलेक्ट्रॉन कैन हैव अ हायर एनर्जी वाइल इन अदर सिचुएशन इट मे हैव अ लोअर एनर्जी

कि भाई एक इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह ट्रैवल कर सकता है ठीक है वैसे ही क्या मैं भी एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में गया था और फिर मैं दूसरे वर्ल्ड वर्ल्ड से दोबारा अपने में आ गया तो वो बोलता है है देखो तुम्हारे लिए फैंटास्टिक एक्सप्लेनेशन हो सकता है, बट मेरे अकॉर्डिंग तो शायद यही हुआ देखो वो श्योर नहीं है ये भी हो सकता है ये पूरा उसके अंदर दिमाग का खेल हो है ना बंदा कॉमा में होता है तो वो कहीं पर भी चला जाता है राइट जो भी उसने देखा वो किसका प्रभाव था क्योंकि वो उसी चीज के लिए लेक्चर देने जा रहा था तो वो ऑटोमेटिकली उसी वर्ल्ड में पहुंच गया जो उसके दिमाग में चल रहा था जो भी उसने लेक्चर के लिए प्रिपेयर किया था राजेंद्र बोल रहा है मेरे से तो यही एक्सप्लेनेशन चल रही है कि अगर भाई तुझे लग रहा है कि ये तेरा इमेजिनेशन है कि तू पैरल वर्ल्ड में ट्रैवल करके आया कोई और भी दुनिया चल रही हो कोई एक यूनिक एक्सपीरियंस तुझे मिल गया हो ठीक है तो वो बोल रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी दुनिया चल रही हो यानी कि कहने का क्या मतलब है कि अभी हो सकता है एक ऐसी भी कहीं दुनिया चल रही हो जहां पर कभी अंग्रेज आए ही ना हो भारत में तो अगर हम सोचे तो सोच की तो बहुत सारी सीमाएं हैं मतलब कोई सीमा ही नहीं है कहीं तक भी हम लोग सोच सकते ठीक है समझ में आया तो डिस्ट्रक्टिव सिचुएशंस ऑफ एन एंटायरली डिफरेंट पॉसिबिलिटीज टू द वर्ल्ड इट मे अपियर टू अ पर्सन दैट ऑल ऑप्शंस आर पॉसिबल बट एन ऑब्जर्वर वुड सी ओनली वन ऑप्शन एट अ टाइम बाय बाय मेकिंग मूवमेंट यू एक्सपीरियंस टू वर्ल्ड्स वन वन पहला वर्ल्ड जहां पर तुम हो और दूसरा वर्ल्ड जहां पर तुम दो दिन तक थे एक वर्ल्ड में वो हिस्ट्री है जो जो हमें पता है 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 और दूसरे वर्ल्ड वर्ल्ड की कुछ अलग हिस्ट्री है। तो ये जो दो सेपरेट ना ये तब हुए जब तुम बैटल ऑफ पानीपत के बारे में पढ़ रहे थे आगे क्या हुआ तुम कह तुमने कहीं पर भी ट्रैवल नहीं करा अब देखो यहाँ पर उसने सच बोला क्या बोला तो उसको समझाने के लिए बोला देख भाई दो वर्ल्ड हो सकते हैं बट तूने कहीं पर भी ट्रैवल नहीं करा ठीक है तुम प्रेजेंट में ही रहे थे बस तुमने एक्सपीरियंस करे दो वर्ल्ड यानी कि तुम कहीं उठके नहीं गए हो ट्रैवल नहीं करके आए हो तुमने बस एक्सपीरियंस किया ये सिर्फ तुम्हारा एक अनुभव है एक एक्सपीरियंस है अभी समझ में आया सबको कि भाई तू था यहीं पर बट जो भी तेरे तूने लिखा तू लेक्चर देने जा रहा था वो सब तूने अपने दिमाग में एक्सपीरियंस कर लिया वो सब तुझे दिख गया क्लियर ऑलराइट बाय द सेम लॉजिक और अगर हम यही लॉजिक लगाए तो बहुत सारे वर्ल्ड होंगे है ना? हो सकता जब मैं कोई राजकुमारी होती और ऐसे तो बहुत सारे वर्ल्ड है हमारे दिमाग में वो बोल रहा है जहां हम ट्रैवल नहीं करते बस हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं क्लियर समझ में आया right. तो राजेंद्र ने अपनी बात खत्म करी अब एक क्वेश्चन गंगाधर पंत को बार 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 सताया जा रहा था उसने राजेंद्र से पूछा कि मैं आखिर ये डिफरेंट वर्ल्ड मैंने क्यों एक्सपीरियंस करा मेरे दिमाग में क्यों आया तो राजेंद्र ने बोला अगर हमें ये पता होता तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाती कि तुम वहाँ क्यों गए है ना हर बात का तो आंसर है नहीं तो अनलकीली बहुत सारी प्रॉब्लम साइंस में ऐसी हैं जिनका सॉल्यूशन अभी तक नहीं है और ये उनमें से एक प्रॉब्लम है पर हम लोग गेस कर सकते हैं तो वो बोल रहा है हाँ गेस ही कर लो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ होगा मैं आखिर वही क्यों गया राजेंद्र स्माइल करता है और बोलता है कि देखो प्रोबेबली व्हेन यू कोलाइडेड विद अ ट्रक कि जब हो सकता है कि जब तुम्हारा ट्रक से एक्सीडेंट हुआ ठीक है तो तुम बैटल ऑफ पानीपत के बारे में सोच रहे थे तो तुम्हारे दिमाग में क्या हुआ अ पार्ट ऑफ योर ब्रेन प्रोवाइडेड द चेंज फ्रॉम वन वर्ल्ड टू अनदर यानी कि जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तुम कोमा में गए तो वही चीज ट्रिगर हुई और तुम एक्चुअल में वही चले गए कि अगर ये वर्ल्ड में बैटल ऑफ पानीपत में मराठा जीत जाते तो ये वर्ल्ड कैसा होता तुम एक्चुअल में वही चले गए समझ में आया क्लियर कि क्योंकि तुम एक्सीडेंट से जस्ट पहले इसी बारे में सोच रहे थे इसलिए तुम केवल वही गए और बाकी कुछ कहीं और नहीं गए बाकी कोई और चीज तुम्हारे दिमाग में नहीं आई ठीक है वो बोल रहा है गाय तो अंडे हाँ यार ऐसा तो हो सकता है आई वॉज रियली थिंकिंग कि हिस्ट्री अब वो बता रहा है यहाँ पर कि हाँ यार मैं सच में सोच रहा था कि हमारा इतिहास कैसे डिफरेंट होता अगर हम बैटल ऑफ पानीपत मराठा जीत जाते तो ये भी बोला कि यही टॉपिक होने वाला था मेरे नेक्स्ट स्पीच का और ये स्पीच उसकी नंबर थाउजेंड स्पीच होने वाली थी नाइन 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 लेक्चर्स वो दे चुका है बट अभी वो थाउजेंड नंबर पे जो स्पीच है वो देने वाला था इस टॉपिक के ऊपर ठीक है राजेंद्र हंसने लगा और उसने गंगाधर पंत को बोला कि life कि अब मैं मैं अब अब समझा कि एक्सपीरियंस क्यों हुआ ठीक है तो गंगाधर पंत सैड बट गंगाधर पंत अब सैड हो गया गंगाधर को बोलता है एड्रेस अजाद मैं जब मेरा हजारवा लेक्चर वहां पर दे रहा था अपने पैरेलल वर्ल्ड में लोगों ने मुझे वहां पर रोक दिया ठीक है और मैंने वो प्लेटफॉर्म छोड़ दिया स्पीच देते-देते और और मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं कोई और नहीं दूंगा, इसलिए जो मैं हमारा पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो समाप्त हो तो हालांकि चैप्टर में जो टर्म्स है वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है बट, ना कोई डिफिकल्ट चैप्टर नहीं दो टर्म्स हैं कैटेस्ट्रोफिक थ्योरी लैक ऑफ क्वांटम थ्योरी क्वांटम थ्योरी में बता रखा है कि भाई किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहीं पर भी मूव कर सकते हैं है ना हम प्रिडिक्ट कर सकते वैसे ही हमारा दिमाग भी कहीं पर भी मूव कर सकता है कुछ भी चीज़ हमारे दिमाग में ट्रिगर हो सकती है हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हमारा दिमाग है न हमारा दिमाग कहाँ जाएगा क्या करेगा कहाँ कौन सी चीज़ कहाँ ट्रिगर हो जाएगी ठीक है समझ में आया तो बहुत ज्यादा इन्होंने साइंस को खींच रखा है बट हमें ज़्यादा साइंस में घुसना नहीं है ऊपर ऊपर से लिटरेचर पर यार मेरी वॉइस कट हो रही है क्या मतलब बाकी बच्चों को तो न, कट नहीं हाँ एंड में चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग इसलिए भी हो जाता है क्योंकि साइंस के बारे में बहुत ज्यादा बातें इन्होंने कर रखी हाँ नहीं थाउजेंड स्पीच रियल में नहीं था उसके पैरल वर्ल्ड में ही था बट वो बोलता है कि मैं मेरे पैरल वर्ल्ड में दे चुका हूँ तो मुझे अभी यहाँ पर नहीं दे ठीक है बच्चों चलो तो यार अभी ना इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं तुम्हें टेलीग्राम पर दूंगी पहले नंबर पे टेलीग्राम का लिंक है आप ज्वाइन कर लेना आप देख सकते हो मैंने इसमें एनसीईआरटी के भी चाहे वो ट्रू फॉल्स हो क्वेश्चन आंसर्स हो मैंने सब यहाँ पर डाल दिया है ठीक है तुम लोग देख लेना ये देखो सब यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया इससे बाहर नहीं आएगा कुछ भी कि लैक ऑफ डिटर्मिनजम क्वांटम थ्योरी कहाँ तक पढ़ना है सिर्फ इतना पढ़ना है इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना ठीक है तो ये सारी और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने इसमें डाल दिए तो ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें दे दूंगी एक बार रिविजन कर लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एन क्वेश्चन का लाइन बाय लाइन मैंने तुम्हें पढ़ाई दिया ठीक है बच्चे पार्टी तो आपको टेलीग्राम पे ये स्लाइड्स मिल जाएंगी आप प्रैक्टिस कर लेना ऑल्सो मैं अभी क्लास टेंथ को टेंसेस पढ़ाने वाली हूँ ठीक है तीन चार मिनट बाद तो आप लोगों के सिलेबस में भी टेंसेज है अगर भाई किसी भी बच्चे को आना हो शौक से आप लोग आ सकते हो आज की क्लास में बहुत हम लोग फन करने वाले हैं मजे आने वाले हैं हम लोगों को तो मेक श्योर आप आ जाना ठीक है और प्लीज मुझे इस क्लास के मैंने कल भी कमेंट करने बोला था बट ज्यादा कमेंट नहीं थे तीस चालीस कमेंट थे मुझे जेनुअनली बहुत बुरा फील हुआ तो प्लीज बेटा कॉमेंट करके बता देना कि पूरा समझ में आ गया ना चैप्टर डिटेल में ठीक है क्योंकि हमने लाइन बाय लाइन किया है आगे मैं ऑब्वियसली इसका शॉर्ट में एक आधे घंटे का ठीक है चलिए थैंक यू सो मच एवरी मैं आप सभी से मिलूंगी बेटा जी कल आना मत भूलना यार बैच में आ जाए करो फिर बैच क्यों लॉन्च किया है एक ही दिन का जोश था मेरे ख्याल से क्लास इलेवेंथ का हाँ तो प्लीज़ क्लासेस में आ जाए करो बच्चा कल मिलते हैं ठीक है थैंक यू सो मच एवरीवन आई विल सी यू गाइस लेटर बाय बाय टेक केयर